देश में एक तरफ जहां लोकसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चली है, इसको लेकर सियासी दलों ने कमर कसनी भी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसना लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक और नाम अब जुड़ गया जिस पर अब सीबीआई शिकंजा कसे जा रही है, वो नाम है सपा मुखिया अखिलेश यादव का। दरअसल सीबीआई ने अखिलेश यादव को एक समन भेजा है और उन्हें अवैध माइनिंग के केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव को 116 सीआरपीसी के तहत समन भेजा गया है। उन्हें 21 फरवरी को नोटिस जारी किया गया है। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं इस नोटिस में कहा गया है कि जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि यह अवैध खनन का मामला 2016 का है। ये मामला हमीरपुर का है। तब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और खनन मंत्री थे। वहीं जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, खनन अधिकारी और अन्य सहित कई लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया। दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि आपराधिक साजिशों में सरकारी कर्मचारियों ने निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध रूप से नए पट्टे और नवीकरण पट्टे दिए, लोगों को अवैध रूप से छोटे खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति दी गई, साथ ही लघु खनिजों की चोरी करने और धन उगाही करने की अनुमति दी गई। वही इस मामले को लेकर सपा नेता आईपी सिंह ने भी ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई ईडी हर चुनाव से पहले सक्रिय हो जाती है और भाजपा के इशारों पर समन भेजती है, हम डरने वालों में नहीं है। तो वही अब इसको लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तब एंड मौके पर अखिलेश यादव के इस तरह से सीबीआई का शिकंजा कसने को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।